ईरान व जर्मनी की वाणिज्य कक्ष की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के सीईओ ने कहा है कि कंपनी ने अब तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान में $27 मिलियन का पूंजी निवेश किया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत फैसले के सामने डट जाना चाहिए, इसलिए हमारी कंपनी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से निकलने पर तैयार नहीं है। एविवे कुनले ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान में पूंजी निवेश करने वाले विदेशियों के लिए स्थिति स्पष्ट हो गई है, जबकि ईरान सन 2022 तक सौर ऊर्जा से 5 गीगावाट बिजली पैदा करने का इरादा रखता है। उन्होंने बताया कि टूरियन कंपनी ने ईरान के सहयोग से $27 मिलियन के पूंजी निवेश से 20 मेगावाट की बिजली घर बनाए हैं। उन्होंने इस समय 100 मेगावाट की क्षमता वाले बिजली घर की एक अन्य परियोजना पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि उनकी कंपनी का अमेरिका में बाजार नहीं है, इसलिए कंपनी को अमेरिका के प्रतिबंधों से कोई भी डर नहीं है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।